रघु के पिता का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। रघु के पिता का कपड़े का व्यापार था, मगर उनकी मृत्यु के बाद ये धंधा चौपट होने के बाद रघु की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बेचती थी। रघु स्कूल जाने के साथ साथ काम में अपनी माँ का हाथ भी बटाता था। गरीब होने के बावजूद भी रघु और उसकी माँ के दिल में दीन दुखियों के लिए दया और हमदर्दी थी। दिवाली नजदीक आ रही थी। रघु ने अपनी माँ के साथ मिलकर मिट्टी के खूब सुंदर दिए बनाए थे। आज बाजार में वो अपने दिए की दुकान सजा कर बैठे थे। माँ माँ, इस बार तो कोई दिए लेने के लिए आ ही नहीं रहा है। सब लोग तो बस चाइनीज लाइटें ही खरीद रहे हैं। ऐसे में तो हमारा एक भी दिया नहीं बिकेगा। हाँ बेटा, अब लोगों को कौन समझाए। देश के गरीब किसान और छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं और ये विदेशी माल खरीद के विदेशों को पैसे भेज रहे हैं। लगता है माँ, इस बार हम बस्ती के बच्चों को मिठाइयाँ नहीं खिला पाएंगे। अभी दोनों माँ बेटा यही सोच ही रहे थे कि उनके कानों में एक प्यारी सी आवाज आती है। वाह, कितने सुंदर दिए हैं। ये दिए कितने के हैं आंटी? रघु और उसकी माँ सिर उठाकर देखते हैं तो एक प्यारी सी बच्ची उनके दुकान के सामने खड़ी थी। इस बच्ची का नाम सोना था। ये अपनी आया के साथ बाजार पटाखे और कपड़े लेने आई थी। बताओ ना आंटी, कितने के हैं ये दिए? वैसे तो ये 3 रुपए के एक हैं, पर तुम्हारे लिए 2 रुपए के पड़ेंगे, क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो ना। बेबी, आप दिए लेकर क्या करोगी? घर में ढेर सारी लाइटें लगी हैं। नहीं, मुझे तो दिए खरीदने ही हैं, चाहे जो हो जाए। तभी सोना का ध्यान उदास बैठे रघु पर जाता है। तुम इतने उदास क्यों हो? लगता है मेरी तरह तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है। कोई बात नहीं, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। बोलो, क्या बनोगे मेरे दोस्त? रघु अपनी माँ की ओर देखता है और मुस्कुरा देता है। फिर रघु भी खुशी खुशी हाँ बोल देता है। उस दिन से सोना और रघु दोस्त बन जाते हैं। अब सोना रोज रघु और उसकी माँ से मिलने आती है। रघु और उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। एक दिन, बेबी आप गंदे लोगों से दोस्ती मत रखो, ये लोग बड़े बदमाश होते हैं। आपके मम्मी डैडी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे। मगर सोना उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। दिवाली से एक दिन पहले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम्हें कल मेरे घर आना ही पड़ेगा। कल दिवाली है, हम दोनों साथ मिलकर मस्ती करेंगे। मगर सोना, अगर मगर कुछ नहीं, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन रघु अपने फटे पुराने मगर साफ कपड़े पहनकर सोना के घर जाता है। सोना एक बहुत बड़े बंगले में रहती थी। आज उसका सारा घर रोशनी से चकाचक था। उसकी सुंदरता देख रघु मन ही मन सोचता है, बाप रे, इतनी रोशनी में तो हमारी सारी बस्ती चकाचौंध हो जाएगी। तभी गेट पर खड़ा गार्ड उसे रोकता है। ए लड़के, कहाँ जा रहा है? उसे आने दो गार्ड अंकल, वो मेरा दोस्त है। रघु अंदर आ जाता है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लोग किसी रिश्तेदार के घर गए हैं दिवाली की बधाई देने, अभी आते ही होंगे। चलो मैं तुम्हें अपने पटाखे दिखाती हूँ, मैंने बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं, दोनों मिलकर छुड़ाएंगे। रघु सोना के घर तो आ गया था, मगर वहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। क्या बात है, तुम बड़े उदास से लग रहे हो। देख रहा हूँ कि भगवान जिसे देते हैं उसे छप्पर फाड़ कर देते हैं, और जिसे नहीं देते उसे खाने को दाने भी नहीं मिलते। मेरी बस्ती में ऐसे बहुत से घर हैं जिनके यहाँ आज दिवाली नहीं मनेगी, क्योंकि उन गरीबों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। बेचारे दिवाली कैसे मनाएं? रघु की बात सुनकर सोना का मन उदास हो जाता है। वो कहती है, उफ, वहाँ लोग भूख में मर रहे हैं और यहाँ हम हजारों रुपए के पटाखे जला रहे हैं। रघु, तुम मुझे बस्ती में ले चलो, हम ये पटाखे और मिठाइयाँ उन गरीब बच्चों में बांट देंगे, ताकि उनके अंधेरे जीवन में थोड़ी सी रोशनी हो सके। फिर तो सोना आया और घर के नौकरों के रोकने के बावजूद अपने साथ पटाखे और मिठाइयाँ लेकर गरीबों को बांटने निकल पड़ती है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही सोना के मम्मी पापा आ जाते हैं। अरे भाई, जल्दी करो, लक्ष्मी पूजन का समय हो गया है, सोना को बुलाओ। बेबी घर पर नहीं है साहब, वह अपने दोस्त के साथ पीछे की बस्ती में गई है। हम लोगों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने हमारी एक ना सुनी। है? बस्ती गई है? आखिर क्यों? घर के नौकर उन्हें सारी बात बता देते हैं।
सारी बातें सुनकर सोना के मम्मी पापा गुस्से से तमतमा जाते हैं। आज के दिन लक्ष्मी पूजन कर उन्हें अपने घर बुलाया जाता है और ये लड़की उस भंगे के चक्कर में पड़कर लक्ष्मी को भिखमंगों में लुटाने चली है। और फिर दोनों उसी समय सोना को ढूंढने बस्ती की तरफ चल पड़ते हैं। उधर सोना और रघु दोनों बस्ती के बच्चों को पटाखे और मिठाई बांट चुके थे। पटाखे और मिठाई बांटकर बस्ती के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे थे। उन्हें खुश देख कर सोना और रघु भी बहुत खुश थे। तभी वहाँ सोना के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। मम्मी सोना का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है और उसके पापा रघु पर फिर पड़ते हैं। पापा प्लीज रघु को मत मारिए। तू चुप कर सोना, और तू मेरी बच्ची को बरगला कर हमारे घर की लक्ष्मी को इन भिखमंगों में लुटवा रहा था। तुझे तो आज मैं मार मार कर अधमरा कर दूंगा। सोना के पापा ने रघु को इतना मारा कि बेचारा जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसके पापा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अभी वो सिर्फ मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ एक तेज रोशनी पहुँच गई। वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान प्रकट हुई। मूर्ख इंसान, तुम क्या समझे, गरीब लोग इंसान नहीं होते हैं। तुम अमीर लोगों से अच्छे और सच्चे तो गरीब होते हैं, और तूने उसे ही कष्ट पहुँचाए है। मेरी तुझ पर इतनी कृपा होने पर भी कभी तूने गरीबों की मदद नहीं की। मेरा सच्चा भक्त तो ये बालक है, जिसके पास खुद कुछ ना होते हुए भी संसार के दीन दुखियों की दिन रात मदद करता है। मेरी ही कृपा से तू इतना बड़ा राजा बना हुआ है, मगर तूने आज मेरे भक्त को मारकर मेरा अपमान किया है। तो आज से मैं अपनी सारी कृपा वापस लेकर तुझे फकीर बना देती हूँ। सोना के मम्मी पापा गिड़गिड़ाते हुए माता से माफी मांगने लगते हैं। उनको गिड़गिड़ाते हुए देख रघु को भी उन पर दया आ जाती है। वो भी माता से उनके लिए क्षमादान मांगता है। रघु के कहने पर माता उन्हें क्षमा कर देती है तथा सबको सुख व समृद्धि का वरदान देकर वहाँ से अंतर्धान हो जाती है। उस समय से सोना के मम्मी पापा के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। अब वो खुले हाथों से गरीबों की मदद करते हैं और माँ लक्ष्मी के वरदान के कारण उनके धन धान्य में कोई कमी नहीं होती है। रघु की माँ की वो भरपूर मदद करते हैं। अब आपके बेटे के कारण ही न सिर्फ हमें माता के दर्शन हुए, अब बल्कि एक नेक जीवन जीने की प्रेरणा भी मिली है। आज से जो कुछ हमारा है वो आपका भी है। आज से आप और रघु हमारे साथ ही रहेंगे। और इस तरह माता के वरदान के कारण रघु और उसकी माँ का जीवन भी खुशहाल हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।